सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, सरप्राइज सरप्राइज लाइव कर रहे हैं आज आपके साथ। आई कैन अंडरस्टैंड, काफी लोग आजकल क्रिकेट में घुसे होंगे तो, और काफी हद तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया तो आप लोगों को नहीं पता होगा, बट देन जो लोगों ने नोटिफिकेशन बटन ऑन कर रखा है हमारे चैनल का, उन लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं लाइव आ चुका हूं, तो आप आ सकते हैं हमसे बातचीत करने और आज आपकी बातचीत का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे एज यूजुअल जैसे हम देते हैं। हेलो मिस्टर कांबले, राज कांबले जी, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, यस आई मिस यू टू। बहुत ज्यादा अति गर्मी हो गई है। गर्मी में क्या हो गया है कि एक तो हमने कैमरा ले लिया है, क्वालिटी ऑफ वीडियो बड़े बड़े हो गए, तो एडिटिंग स्पीड कम हो गई है। अब क्या है कि पहले वाला जमाना नहीं रहा, इसलिए थोड़ी सी हमारी वीडियो स्लोली आ रही है। अगर आपको वीडियो बहुत जल्दी जल्दी चाहिए तो मैं एक लाइव पोल रखता हूं, अगर आप चाहेंगे तो फटाफट वीडियोस भी आएंगे, बट एंड अगेन थोड़ी वीडियोस की क्वालिटी कम करनी पड़ेगी क्योंकि एडिटिंग में टाइम लग जाता है, राइट। और अगर कोई यार दोस्त हमारा, हमारे सब्सक्राइबर हमें मदद करना चाहते हैं और यहीं आसपास दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में रहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 7827570775। इस नंबर पे संपर्क करें, हमारी मदद करें। सो चलो चलता हूँ, बाबा सी यू टुमारो। मजाक कर रहा हूँ, तो मिलना, बात तो करनी है थोड़ी बहुत, तो ऐसे कोई नहीं जा रहा। लेट मी जस्ट वहाँ से उसकी जगह मैं यहीं देख लेता हूँ, ये ज़्यादा मेरे लिए आसान हो जाएगा। So, कैसे हो दोस्तों, प्लीज टेल मी हाउ आर यू गाइस। इसको खोल लेते हैं, खोल लेते हैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके ये है, सो वी आर गुड, सो आई एम ओपनिंग। आहा सर, अगर कभी काब चीटिंग घपा घप हार्ट बटन्स। अभी देखो मैं भी मोटा हो गया हूं, है ना, थोड़ा सा खा पी के घर बैठे बैठे बहुत दिन हो गए, जिम तो गए ही नहीं। जिम तो जाते ना घर पे, जिम था जिम करने का, अभी घर पे इतनी गर्मी हो गई कहाँ से जिम करेंगे। सलाम वालेकुम अस्सलाम सारों को, सबको हाय। सर मेरा एक डाउट, डाउट पूछो, डाउट पूछो। देखो अगर आपका सवाल मुझे दिख गया तो जवाब मैं दे दूंगा, नहीं दिखा तो वो मेरी गलती नहीं है। हार्ट का ये लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, रोज लाइव देखना चाहते हैं, वो गोकी पे आ सकते हैं। गोकी प्ले पे मैं ऑलमोस्ट रोज लाइव आता हूँ। अगर आप वहां सवाल पूछना चाहें तो वहां पर आप उनका पैकेज लेके सवाल पूछ सकते हैं, नहीं पूछना चाहें तो लाइव तो देख ही सकते हो आप मुझे रोज, ठीक है। वाटर डाइट इज गुड और नॉट? नो, वाटर डाइट इज नॉट गुड। उस पर मेरा वीडियो है राज जी, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। फालतू के नुकसान में पड़ जाओगे, अभी मस्तियां ना करो, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। इंडिया इज गॉन अ विट टू राइट, यो इंडिया, गो इंडिया। बहुत टाइम हो गया यार, मैच देखने का टाइम ही नहीं मिलता। मुझे तो घर पे टाइम मिल जाए थोड़ा, उतना ही बहुत है। क्या हो रहा है ये? मेरा पूरा सेटअप हिला दिया, दैट्स माय डॉग। कुछ नहीं कर सकते यार, मुझे स्टूडियो लेना पड़ेगा। पर स्टूडियो क्या स्टूडियो, चलो एनीवेज। सर प्लीज, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल गौरव जी। सर प्लीज, लंग कैंसर एंड लंग ट्यूमर वीडियोस। सी अंडरस्टैंड रजन जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो ट्रीट लंग कैंसर और प्रिवेंट कैंसर। प्रिवेंशन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, एक बार लंग कैंसर हो गया उसके बाद तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, राइट। और यस, मैं बनाऊंगा वीडियोस लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सबको समझने के लिए, डोंट वरी, सब पे आएंगे। बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी तो बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी बने हुए हैं, उनकी एडिटिंग करनी है, क्या करूं। एनीवेज, और दिन के दो दो चार चार वीडियो डालूंगा तो के पड़े हैं 50 वीडियोज रिकॉर्ड होके एडिट होने हैं, कम से कम 50 वीडियोज। कुछ छोटे वीडियोज है छोटे चैनल के लिए, कुछ बड़े वीडियोज है, कुछ उसके वीडियोज है, क्या करे, अ लॉट ऑफ वर्क इज पेंडिंग। हेलो सर, बायलैटरल वेरिकोसील रिकरेंस के बारे में कुछ बताएं क्योंकि मुझे वापस आ गया। वेरिकोसील रिकर हो सकता है आपको अपने कफ, खांसी, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे कोई भी चीज जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाए उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप मेरा वीडियो जाके देखें, कॉन्स्टिपेशन वाला या फिर खांसी वाला, उसको देखिए जाके, राइट। हेलो, कोलेस्ट्रॉल 60 नॉर्मल, क्रिएटिन 1.8 इज हाई, राइट, क्रिएटिन इज हाई 1.8, पानी ज्यादा पीजिए, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए, यूरिया चेक कराइए, क्रिएटिन फिर से चेक करें, कभी कभी रिपोर्ट ही गलत होती है, कभी कभी लैब में कोई प्रॉब्लम होती है। सो सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन वाटर फास्टिंग, आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो ऑन वाटर फास्टिंग, यू कैन जस्ट गो ऑन माई अदर चैनल,
वाटर फास्टिंग बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करिए, मिल जाएगा। ड्राई फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, नॉर्मल फास्टिंग, सब पे पूरे वीडियोस हैं, राइट। अब ढूंढना तो आपको पड़ेगा भाई साहब। गुर फतेह जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहुजा जी, इवन आफ्टर डूइंग विगरस एक्सरसाइज इन द जिम आई कांट स्लीप इजीली। आई फील फ्रेश होल डे इवन इफ आई गेट 2 hours ऑफ स्लीप एट नाइट। इफ आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ टेंशन ऑल्सो थ्रॉट। देखिए, स्लीप इंसोमनिया के और भी कारण होते हैं। इंसोमनिया कैन बी बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कैन बी बिकॉज ऑफ डेफिशियंसीज, कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी स्मॉल स्मॉल बिग बिग इशूज ऑल्सो। सो आपको इवेल्युएशन की जरूरत है, हेल्थ चेकअप की जरूरत है। इवन देन इट्स पॉसिबल कि एक बार में डायग्नोस ना हो, कीप एट इट, उसके पीछे पड़े रहो, ठीक होगा। एंजाइटी के ऊपर वीडियो है, एंजाइटी बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूट्यूब पे टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। आई हैव गिवन द होल ट्रीटमेंट, द बेसिक आइडिया, गो वॉच इट। डिहाइड्रेशन के लिए वाटर के अलावा कुछ और? डिहाइड्रेशन के लिए गर्मी के मौसम में वाटर इज नॉट द बेस्ट, बट देन अगर आप बेसिक चीज, आपको आधा पानी, और मतलब अगर आप 10 बार पानी पी रहे हो तो 5 बार पानी पियो, और 5 बार इलेक्ट्रोलाइट, या फिर आप पीजिए नारियल पानी, या आप पीजिए पानी में डाल के नींबू पानी थोड़ी बहुत, एक आधी बार शिकंजी, अगर आपको शुगर नहीं है, शुगर है तो कम शक्कर वाली शिकंजी, दैट्स टू गो। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, लेकिन ओके कोल्ड, राइट। सीटी कोरोनरी डन एट पीजीआई चंडीगढ़, रिपोर्ट आर ग्रॉसली नॉर्मल, हार्ट इज क्लियर। माइक्रोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, उसके बारे में, माइक्रोवैस्कुलर डिजीज यानी माइक्रोवैस्कुलर डिजीज बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करो, उसका वीडियो है, देखिएगा। मुझे चेस्ट पेन होता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल, बहुत पेन होता है, परेशान हूँ। ऐसे बहुत पेशेंट होते हैं जिनको गैस की वजह से, मांसपेशी की वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से पेन होता है। कई लोगों को प्लेन सिंपल स्ट्रेस की वजह से पेन होता है। सो दैट इज अ ट्रायल एंड एरर। इन सबको एक पिन पॉइंट करने का कोई टेस्ट नहीं आता। रिमेंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, गो थ्रू अ हेल्थ चेकअप एंड टॉक टू योर डॉक्टर। इफ डॉक्टर बात नहीं करता, दूसरा डॉक्टर। डॉक्टर बात नहीं करता, तीसरा डॉक्टर। इफ डॉक्टर बात करता है, लॉजिक समझ में नहीं आया, तो फिर हम क्या। कॉल मी ऑनलाइन 7827570775। मैं कर सकता हूं कुछ तो मैं जरूर करूंगा, राइट। राइट, बवासीर की शिकायत है, बवासीर पे वीडियो है मेरा, प्लीज वो जाके देखिए। बवासीर अगर ग्रेड 2 के ऊपर है, 3-4 है तो ऑपरेट होगा, ग्रेड 1-2 में प्रिवेंशन यानी उसके साथ जी सकते हो, उसे खत्म करने के लिए इंजेक्शन या कुछ करना ही पड़ेगा। रॉक सॉल्ट इज नॉट बेटर देन नॉर्मल सॉल्ट, इट्स सेम, उसमें थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं जो आपको नॉर्मली पानी से, डाइट से मिलने चाहिए। रॉक सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता, तो कृपया रॉक सॉल्ट ले रहे हैं तो आयोडीन या थायराइड का रेगुलर चेकअप कराएं, राइट। अगर कभी काब की चीटिंग हो जाए तो क्या करें? अर्जेंटली के काब का इफेक्ट्स लेस हो जाए। कुछ नहीं कर सकते हो। वैसे मैं क्या करता हूं बताऊं, मैं एक्चुअली क्या करता हूं, मैं उसके साथ में ना दूध ले लेता हूं, वो मेरी टेक्निक है, मैं दूध ले लेता हूं। दूध से क्या होता है कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो जाती है, या फिर थोड़ी बहुत फिजिकली एक्टिविटी करो, चलने फिरने लग जाओ, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, पाचन शक्ति थोड़ी बढ़ती है, लेकिन पैरासिंपथेटिक पचाने वाली शक्ति कम हो जाती है, टाइम लग जाता है। अगर आपने काब ज्यादा भी खाए हैं और वो 2 घंटे की जगह 4 घंटे में डाइजेस्ट होंगे, तो थोड़ा बहुत बैलेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत, नॉट एग्जैक्टली अ लॉट, सो थोड़ा डिफरेंस आएगा उससे। आइडियली तो आपने कम ही खाना चाहिए, राइट। ओके, आई एम 16 एंड आई हैव मेनी डेड स्किन सेल्स, सो प्लीज हेल्प। व्हाट, आई हैव फुल डेड स्किन केयर। मेरी स्किन में जो आप दिख रहे, जो आप भी आपको दिख रहा है, जितना भी मेरा हिस्सा दिख रहा है, सब डेड है भैया। यू कैनॉट सी लाइव स्किन सेल्स। ये कम से कम 6-8 लेयर होती है डेड स्किन सेल्स की। व्हाट यू नीड इज रेगुलर स्किन केयर। स्किन केयर जाके देखो मेरे वीडियोज में, राइट। एम ही जाके एक्सफोलिएशन अपनी छिला के मत बैठ जाना स्किन। हाँ, एक बार एक काम करो, एक बार वैक्सिंग करा लो। वैक्सिंग जो होती है ना, एक बार की वैक्सिंग 1 साल तक आपको क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। वैक्सिंग करा लो आप। ओके सर, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन स्ट्रॉन्ग हेयर। आई ऑलरेडी हैव मेड वीडियो ऑन हेयर केयर। वो सारे पॉइंट फॉलो करो कि भैया उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हेयर। बाकी आपके अंदर अगर बीमारी है तो बीमारी ढूंढनी पड़ेगी, राइट। वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, राइट। राइट, अगर कोई भी मिनोक्सिडिल ट्राई करने का सोच रहा है तो उसकी जगह प्रोकापिल सोचो, दैट इज लिटिल बेटर, राइट, एज फार एज माई एक्सपीरियंस और माई नॉलेज गोज। हाई, आई फियर ऑफ डिजीज ऑल द टाइम, वॉट टू डू? दैट इज कॉल्ड एंजाइटी, दैट इज कॉल्ड डर, दैट इज कॉल्ड साइकोसिस। डोंट वरी अबाउट इट, डर सबको होता है, किसको नहीं होता है, राइट। डर लगना इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर डर के बारे में गलत तरीके से सोचना इज अ प्रॉब्लम। आप ये सोचो कि मैं क्या करूं कि मेरे को डर ना लगे, ये मत सोचो
कि ये भी डर है, इससे भी डर है, उससे भी डर है, गो एंड टॉक टू अ डॉक्टर, गो एंड डू थिंग्स, एक एक चीज लाइफ में करेक्ट करते जाओ, हो जाएगा डर खत्म। ओके, हैप्पी डॉक्टर्स डे, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर्स डे है क्या आज? नहीं कल था आई थिंक सो, बट थैंक यू, हैप्पी डॉक्टर्स डे सर। सम इन्फॉर्मेशन व्हाट ऑफ आई ऑलरेडी गेव दैट, चेस्ट पेन आई नॉर्मल रिजल्ट आई ऑलरेडी डिड दैट, डोंट आस्क रिपीटेड क्वेश्चन प्लीज। पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में बताएं सर। पोस्ट नेजल ड्रिप इज अ ईएनटी प्रॉब्लम, ईयर नोज थ्रोट प्रॉब्लम, मतलब नाक के पीछे इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाती है, इन्फ्लामेशन जल्दी हो जाती है, तो पीछे से इन्फ्लामेशन इरिटेशन एलर्जी के वजह से पीछे से ज्यादा म्यूकस, ज्यादा पानी टप टप होके गिरता रहता है गले में, तो गले में खराश खराश आती रहती है, दैट इज पोस्ट नेजल ड्रिप, दैट कैन लीड टू सोर थ्रोट, दैट कैन लीड टू थ्रोट प्रॉब्लम। सो आप ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए, चश्मा डाल के, वो शीशा डाल के देखेंगे, शीशा डाल के दिख जाएगा पोस्ट नेजल ड्रिप है क्या, है क्या नहीं है, दे विल गिव यू अ ट्रीटमेंट, नो बिग डील, राइट। All right. No fap is bakwas. Go and watch my videos on masturbation. Thank you, Saurabh ji. Thank you, Saurabh. All about you. Chote phote basic knowledge hai. Nothing else. Right. Aise koi special nahi hai. Right. Paji, weight gaining tablets natural naam batao na. Paji, aise karo apna. Aisi taisi mat karao na. Kidney vidney kharab karke baith jaoge. Logka ne tuhanu thyroid di. Logka ne tuhanu, sorry, steroid di goliyan de deniyan ne. Phir baith jaoge ki testosterone cut ho gaya. Mera ho gaya. Kahi aande ne inhe ne deta. Ye ayurveda, wo ayurveda. Te mera beda gark ho gaya. Kahi log aande ne. Kripya eho ji chijja na karo. Weight gain karan vaaste koi dawai nahi hundi. Haan, vajan badhane ke liye dawai nahi hoti hai. वजन क्यों कम हुआ उसका जांच हो सकती है, राइट। वजन बढ़ाने की रामबाण दवा नहीं होती है, प्लीज प्लीज। ट्रीटमेंट फॉर ब्रैडी अरिथमियाज प्लीज मेंशन, राइट। अगेन यार मेरे को बताओ यार, क्या समझा क्या है आपने, ये क्या है मतलब, ये बॉडी है बॉडी ब्रैडी अरिथमिया और हार्ट रेट कम हो रहा है, ब्रैडी अरिथमिया मतलब हार्ट रेट कम हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट बताओ सर, कैसे बताएं, कारण तो सोचो। आपके अंदर पोटेशियम में गड़बड़ आई है, पोटेशियम एबनॉर्मलिटी में गड़बड़ आ सकती है, मैग्नीशियम कम ज्यादा हो जाए मैग्नीशियम एबनॉर्मलिटी में गड़बड़ आ सकती है, डिहाइड्रेशन आपका हार्ट अटैक इन्फीरियर वॉल हार्ट अटैक में हार्ट रेट कम हो सकता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में कम हो सकता है, ये भी कारण तो देखना पड़ेगा ना, कारण देखे बगैर ट्रीटमेंट कैसे बताएं, सिर्फ थोड़ी सी धड़कन बढ़ानी है, एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज कर धड़कन बढ़ जाएगी, चाय पी लो धड़कन बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं यार, कम ऑन बी लॉजिकल, राइट, यू फॉलो मी, राइट। आप मुझे फॉलो करते हो तो बी लिटिल थोड़ा नॉलेजेबल हो, क्वेश्चंस भी नॉलेजेबल होने चाहिए, कम ऑन, राइट, क्वेश्चंस भी थोड़े लॉजिकल होने चाहिए, शाबाश। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा डाइजेस्टिव सिस्टम लेस इफेक्टिव आफ्टर सनसेट, सो इज इट सेफ टू ईट आफ्टर दैट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो आप सुबह यहाँ रात को रह रहे हो, सुबह रात को रह रहे हो और फिर वहां जाके दूसरे कंट्री में चले गए जहां पे रात है, राइट, तो खाना नहीं खाओगे, रात यहाँ रात वहां रात फिर यहाँ तहाँ फिर वहां, कभी दिन देखा ही नहीं आपने, मान लो एक सूरज छुप गया अमावस हो गया, खाना नहीं खाओगे, चार दिन छह दिन आठ दिन खाना नहीं खाओगे, दैट इज रॉन्ग, दैट इज बकवास, ठीक है। या सूरज की किरणें जरूरी है विटामिन डी के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, सो पीपल हैव मेड दैट इन के विटामिन डी होगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, ओके ये गुड है, अच्छी बात है, दैट इज गुड, राइट। बट देन देर इज नो सम ऐसी पत्थर की लकीर, ऐसा रूल है कि ये बकवास है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो खाना कभी भी खाओ, पूरा दिन खाओ, अगर आपने खाना खाया, मान लो आपने रात को 7 बजे छोड़कर 6 बजे खाना खाया, एक घंटे में आपका सूरज डूबने वाला है, एक घंटे में तो वो खाना आपके अतड़ियों तक भी नहीं पहुंचेगा, तो क्या बोलेगा बॉडी, अतड़ी रे भाई सूरज डूब गया, अपने पास सूरज नहीं आया। मान लो कोई बंदा पूरे दिन कमरे के अंदर, उसको तो सूरज है नहीं है कुछ पता ही नहीं है, तो फिर लोग इसलिए बोलते हैं कि सूरज की किरण आप पे पड़ेगी, पूरा दिन बाहर रहोगे तब ठीक होगा, आपके हमारे लिए तो सूरज की किरण आती ही नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट के लिए आती है, तो क्या खाना नहीं खाओगे, डाइजेशन सबका खराब बिकॉज धूप में नहीं खड़े हो रहे, प्लीज थोड़ा लॉजिक सोचो, दैट्स द पॉइंट। सो वी हैव 2-3 क्वेश्चंस, पेड क्वेश्चंस, लेट मी जस्ट एड्रेस दैट, राइट, मैं भी थक गया, उसके बाद चलते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, जो लोगों के सवालों के जवाब नहीं आए क्षमा चाहता हूँ, अपने अपने सवालों के जवाब आप लोग हमारे जो वहाँ है उसमें पा सकते हैं, 7827570775 पे जब आप व्हाट्सएप करते हैं, मैं या मेरी टीम आपको मैसेज करती है, SMS रिप्लाई करती है, उस पर फ्री सवाल नहीं है, उस पर आप सुपर चैट में सवाल पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ सुपर चैट है वहाँ सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पे अगर आपका कोई एक सिंपल सवाल है वहाँ मात्र 100 रुपये भरने हैं, 100 रुपये भरने से आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए जिसमें प्रिस्क्रिप्शन होगा, जिसमें टेस्ट होंगे, जिसमें आपके अंदर पूरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री
हिस्ट्री ली जाएगी, लंबा चौड़ा फॉर्म दिया जाएगा ताकि आपको समझा जाए, फिर आपको जवाब दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको 300 रुपीज, टेक्स्ट कंसल्टेशन 400, वॉइस कंसल्टेशन 600, वीडियो कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। 7827570775 पे व्हाट्सएप करें। और अभी चलो शुरू करते हैं हम हमारे दोस्तों का, जिन लोगों ने सुपर चैट करी है। सुपर चैट वालों का सवाल देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई, यू डिडंट आस्क क्वेश्चंस। आकाश गुप्ता जी ने 200 डोनेट किए लेकिन सवाल उस समय नहीं पूछा। आकाश जी, अगर आपने बाद में सवाल पूछा है तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच हियर, आई कांट सर्च इट। राइट, एंड थैंक यू सो मच राजेंद्र जी फॉर द डोनेशन 40 रुपीज। हा, बहुत अच्छा लगा बड़े दिनों बाद, मतलब आई फील गुड ऐसे करने से। मैंने सोचा आज वीडियो डाल नहीं पाऊंगा, आज सुबह से थका हुआ था एडिटिंग। आज मेरा फिटनेस एंड न्यूट्रिशन वाले पे एक चैनल पे वीडियो आया है, वे प्रोटीन का, जाके देखिए जो लोग फिटनेस के लिए एंथुजियास्टिक है। सो विक्रम जी का सवाल आया है, कैन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लिक्विड बी गुड फॉर पोस्ट वर्कआउट फ्रॉम काउज मिल्क, बिकॉज वी ओन अ काउ एंड पेरेंट्स विल अलाउ टू गो फॉर, विल नॉट अलाउ लिखा होगा, विल अलाउ टू गो फॉर प्रोटीन पाउडर। कैन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लिक्विड बी गुड फॉर पोस्ट वर्कआउट फ्रॉम, आपने लगता है विक्रम जी मेरा पोस्ट वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट वाला वीडियो नहीं देखा। देखिए ये मिथ है, ये गलत धारणा है कि पोस्ट वर्कआउट आधे घंटे में आपको प्रोटीन लेना है। जो आप प्रोटीन आधे घंटे में खाओगे, आपको क्या लगता है एक घंटे के बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है आपकी बॉडी में? हाँ जी, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस लगातार चलता है, अगले 24 घंटे में वो पीक होता है और 36-48 घंटे तक चलता है। सो यू नीड कंटिन्यूअस प्रोटीन सप्लाई, यू नीड एवरी 4 आवर्स, एवरी 6 आवर्स प्रोटीन, बिकॉज जब भी प्रोटीन खाते हो 3-6 घंटे लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। राइट, प्रोटीन खाया, अच्छा मान लो वे प्रोटीन खाया, मान लो केसिन प्रोटीन खाया, उसको 6-8 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। तो 6-8 घंटे में प्रोटीन चाहिए, इसलिए रात को दूध दही पनीर लस्सी छाछ क्यों है इंडिया में ये ट्रेंड, दुग्ध पीके सोना जी, दूध पी के सोना है, क्यों 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 रात को गोल्डन दूध, हल्दी वाला दूध क्यों पी के सोते हैं? मसल मेंटेन रहती भैया, हमें जिम जाए पता नहीं कितना टाइम हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी गिनोगे तो कम से कम 15-16 को तो मेरा है डोला, क्योंकि है हमको पता है मसल को कैसे बचाना है, समझे? इट्स ऑल अबाउट, बुढ़ापे में मसल्स कम हो जाती, लोगों के शोल्डर पतले पतले हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं ऐसे, लेकिन मसल्स बचानी होती है। राइट, इवन इफ यू कैनॉट एक्सरसाइज यू हैव टू सेव योर मसल दैट यू कैन डू दिस। इवन इफ यू कैन, मैंने कम से कम कितने टाइम हो गया, सालों हो गए मैं चेस्ट नहीं मारा, मैं चेस्ट नहीं मारता, इतने पहले मार मार के बहुत बड़ी कर ली थी, तो अब मैं चेस्ट नहीं मारता, मुझे चेस्ट मारनी नहीं है, मुझे दूसरी बॉडी का पार्ट बड़ा करना है। आई मीन अंडरस्टैंड, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को फॉलो करोगे, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग, दैट्स वाई आई एम हियर, दैट्स वाई दैट्स माई चैनल। एनी वेज, बताने के लिए दुनिया भर की चीजें हैं, कैन नॉट टेल यू एवरी थिंग ऐसे ही डायरेक्टली यहाँ पे। राइट, कई लोग बोलते हैं सर आप वो करने शुरू कर दो, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर दो, ऑनलाइन ये कर दो, छोटी बात नहीं है, उन सब के लिए सिस्टम बना रहे होगे, सेटिंग करनी होगी। अभी तो मैंने एक अभी इसी का आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, पहले नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि पहले लोग हेल्दी हो, फिर हेल्दी से हट्टे कट्टे बनाएंगे लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, सो सॉरी जिन लोगों के सवालों के जवाब नहीं आए, अंडरस्टैंड बहुत लोगों को बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट। नेचुरल स्वीटनर्स आर वेरी गुड सब्स्टिट्यूट्स, नेचुरल स्वीटनर्स, व्हाट आर नेचुरल स्वीटनर्स, वॉट आर नेचुरल स्वीटनर, स्टीविया इज दी ओनली नेचुरल स्वीटनर आई नो, और कोई नेचुरल स्वीटनर नहीं होता, स्टीविया, स्टीविया इज दी ओनली नेचुरल स्वीटनर, स्वीट शुगर फ्री भी चलेगा, शुगर फ्री नेचुरा, शुगर फ्री दैट इज जिसमें सुक्रालोस है, सुक्रालोस इज गुड, इवन एस्पार्टेम इज ओके, नो प्रॉब्लम, एक लिमिट के अंदर ले सकते हो उसको, यानी 5-10 गोलियां, 5-10 सैशे पूरे दिन में, उससे ज्यादा तो जरूरत भी नहीं पड़ती एक इंसान को। राइट, हाई सर, सजेस्ट प्रॉपर डाइट फॉर लिवर सिरोसिस, माई डैड has it and has left drinking 7 years back and still he has serious issues. See, liver cirrhosis के लिए मैंने जो liver में एक video बनाया हुआ है, liver failure, fatty liver का, वहाँ पर जाइए उसको समझो, concept समझो, उसमें कोई special diet नहीं होती है cirrhosis के लिए, you need a few things extra, और आपको regular constipation relief वो रखना पड़ता है, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है, दैट इज़ दी आइडियाज़ देयर। तो क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा होगा तो अमोनिया ज़्यादा होगा, अमोनिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ब्रेन में इफेक्ट आ सकता है सिरोसिस वाले पेशेंट में। कैन वी रिवर्स साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टीरोइड्स?
like LVH. LVH is not a side effect of steroids, it's a side effect of growth hormone, side effect of high blood pressure. But steroids ke wajah se bhi aapko LVH normally nahi hota. Steroids ke wajah se high blood pressure hota, blood pressure high rehne ke wajah se LVH ho sakta hai. So LVH mein aap reverse nahi kar paoge. Low ejection fraction is because of heart failure. Low ejection fraction is because of heart failure. LVH by doctor education ka video dekho. You cannot reverse it. That's why you have to understand the importance of knowledge. क्या लिखा है? Bodybuilding after proper monitoring. हाँ जी, bodybuilding आप proper monitoring में ही करनी चाहिए. Stomach ache since 9 days. क्या लिखा है? Changing location. Mild stomach ache since 9 days. Changing location 49 years. What is this? Changing location. The most important problem is the pani, water. So make sure to drink bottled water. Although bottled water सबसे खराब होता है. क्योंकि बॉटल वाटर सबसे तो नहीं, मतलब बॉटल वाटर भी कोई अच्छा नहीं होता. उसमें भी धूप से क्या होता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द धूप, धूप में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो प्लास्टिक पिघल के उसके अंदर थोड़ा बहुत मिल जाता है. बेस्ट वाटर इज आरओ वाटर. आपको जहां आरओ मशीन दिख जाए ना, आरओ प्लस टीडीएस कंट्रोल, राइट, उससे पानी पी लेना जब आप बाहर कहीं जा रहे हो, राइट. और वो नहीं मिले, टैप वाटर की जगह बॉटल्ड वाटर इज बेटर, राइट. दैट इज द प्रेफरेंस. ओके, उससे ठीक रहोगे. ओ माई गॉड, ऐसे मुझे पता हो तो मैं ऐसे सरप्राइज वीडियोस करते रहूं. बताओ 600-700 of donation. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, ये क्या है? Okay. Anything else? चलो भाई, अब काफी time हो गया. I have to go and eat my food. And thank you so much. Bye-bye. See you. Bye. Good night. Love you all. And keep following, keep sharing, keep everything.